हमारे पास क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी कि आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, नंबर लाइन पे कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3, यानी कि 1/3 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए पहले आपको एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको स्केल से बनाना है। मैं यहाँ पे रफ फिगर ऐसे आपको बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, इससे आपको सिर्फ आइडिया हो जाए कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। और यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं 0, और उसके बाद इक्वल डिस्टेंस में होता है, आगे होता है 1, उसके बाद होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 4। राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस में होता है। इधर में होता है -1, यहाँ पर होता है -2, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास क्वेश्चन था 1/3 को कैसे नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो जो भी नंबर आपको ऐसा नंबर दिखाई देगा जिसमें क्या होता है, ऊपर में कम होता है, न्यूमिनेटर कम होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसका न्यूमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो वो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, इसको याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा वही है 1/3। तो 1/3 है जो कि न्यूमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा ये तो पता है, लेकिन कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, नीचे में डिनोमिनेटर जितना भी होता है उतने पार्ट में इसको डिवाइड करना है, यानी 3 है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यही नंबर, ये वाला जो 1 है यही हो गया 3। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए फर्स्ट 1 लिखा, 1/3 यानी कि 3 में से 1। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसमें से पहला पॉइंट जो आता है ये पॉइंट दिखाएगा 1/3 को, ठीक है, ये पॉइंट दिखाएगा 1/3 को। अगला क्वेश्चन है 2/7, दूसरा नंबर है 2/7। तो अगर इसमें देखें तो ये क्वेश्चन भी है 2/7 जिसका न्यूमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये भी नंबर जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो देखिए नंबर लाइन बनाते हैं, पहले 3 इस तरफ होता है माइनस में, लेकिन यह इतना का ही हमको ज़रूरत है तो इतना ही बनाते हैं। क्वेश्चन है 2/7, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर नीचे 7 है तो 7 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो 7 में से ऊपर है 2, 7 में से दूसरा नंबर, 7 पार्ट में से दूसरा, पहला दूसरा, यानी कि ये जो पॉइंट है दूसरा यही दिखाएगा 2/7 को। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारा है 1 इंटीजर 3/4, तीसरा क्वेश्चन है 1 इंटीजर 3/4, तीसरा है 1 इंटीजर 3/4। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे 1 इंटीजर में आ गया, यानी कि 1 जो है वो होल नंबर है, 1 जो है होल नंबर है, उसके बाद आता है 3/4, यानी कि इस नंबर को सिर्फ हम लोग दिखाएं 3/4 को, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन इसके पहले यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 के बाद आएगा, 1 के बाद और 2 के पहले, यानी कि 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा। देखिए कैसे आएगा, ये है हमारा नंबर लाइन, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये 3/4 तो 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया होल नंबर, यानी कि 1 के बाद ये आएगा, तो 1 हमारा यहाँ है और 2 यहाँ है, ये दोनों के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो कैसे आएगा, तो 1 तो यहाँ पे हो गया 3/4, यानी कि नीचे में 4 है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। 4 में से कौन सा है, तीसरा नंबर वाला, तो 1, 2, 3 तीसरा नंबर वाला ये जो पॉइंट है ये दिखाएगा 1 इंटीजर 3/4 को, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर है -1/3, ये माइनस वाला है, माइनस वाला कैसे आएगा, माइनस देखते हैं, -1/3 है, चौथा है -1/3, ये तो माइनस यहाँ पे लगा है, तो ऐसा ही पता चल रहा है कि माइनस वाले साइड में आएगा, यानी 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिखाना है 0 से लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे लेते हैं 0, इस साइड में 1, 2 और इधर में आएगा माइनस में -1, -2। तो ये भी देखिए 1/3, न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा,
माइनस में हो या तो प्लस में हो, न्यूमिनेटर कम है न्यूमिनेटर ज़्यादा है, तो जीरो और वन के बीच में लाई करेगा, तो माइनस वन बाई थ्री है तो जीरो और माइनस वन के बीच में, तो ये तीन पार्ट में है तीन, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन टू और ये थ्री। थ्री में से पहला वाला जो है वन वो दिखाएगा, यानी कि पहला पॉइंट ये है तो यही दिखाएगा माइनस वन बाई थ्री को। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं, माइनस वाला नंबर हो या प्लस वाला नंबर हो, पहले नंबर लाइन बनाइए उसके बाद उसको शो कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।